तो आज हम स्टार्ट करेंगे। फोर बेडरूम का डिजाइन है। देखिए पहला जो स्टार्ट है यहाँ पर पोर्च एरिया, पोर्च इधर से एंट्री। तो देखिए यहाँ पर C1, C2, C3, C4, कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 नंबर कॉलम पहले जो है इसके अंदर 20 नंबर कॉलम पहले देखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर बेडरूम, दो साइड में दो बेडरूम, यहाँ पर डार्क एरिया है, यहाँ पर विंडो, फ्लैट टाइप का डिजाइन है, दो बेडरूम के साथ वन किचन वन टॉयलेट, वन टॉयलेट जो है रूम के साथ अटैच टॉयलेट, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको डोर देखने को मिल जाएगा, तो आपका अटैच टॉयलेट का जो यहाँ पर डिजाइन है यहाँ पर से डोर आपको मिल जाएगा से डोर, ठीक है। इसके बाद तो इसके साथ देखिए टॉयलेट सेम 1 2 3 4 रहेगा, बेडरूम बेडरूम 1 2 3 एंड 4। उसके बाद देखिए यहाँ पर रहेगा जो इसका किचन, दोनों साइड में दो किचन रहेगा दो बेडरूम के लिए। यहाँ पर दो पार्ट यहाँ पर दोनों साइड में है, लेकिन यहाँ पर जो पैसेज है इसको हमने कॉमन रखा है। इधर से आप स्टेयर है यहाँ पर, ओके, ड्रॉन बाय इंजीनियर सुभाष। यहाँ पर ड्राइंग डाइनिंग एरिया है पूरा, यहाँ पर पोर्च एरिया। चले हम इसका कुछ मेजरमेंट ऐड करते हैं तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा। 12 फीट इंटू 13 फीट, इधर भी 12 फीट इंटू 13 फीट मेजरमेंट हो गया, तो 12 फीट इधर रहेगा 13 फीट इधर रहेगा, ठीक है। इसका देखिए कॉलम हमने सेट कर दिया, तो आपको इसमें ज़्यादा इजी हो जाएगा बिल्डिंग बनाने के लिए। तो यहाँ पर 9 फीट 9 इंच डिस्टेंस, ओके, 3 फीट 6 इंच है इधर, 3 फीट 6 इंच इधर डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर 6 फीट 8 इंच का डिस्टेंस, यहाँ पर जो एरिया है यहाँ पर रहेगा 9 फीट 9 इंच। ये जो पैसेज है इसको हमने 9 फीट 9 इंच किया है, ओके। इधर इधर 35 फीट 6 इंच टोटल डिस्टेंस इधर से। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी बेडरूम 12 बाई 13 फीट, यहाँ पर 12 बाई 13 फीट। तो यहाँ पर 1 2 3 4 जो बेडरूम है स्टैंडर्ड साइज का बेडरूम, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी डिजाइन में चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो उसके बाद देखिए इसका जो यहाँ पर जो डिजाइन वाइज यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है। उसके बाद किचन, किचन यहाँ पर 7 फीट बाई 8 फीट, 8 फीट यहाँ पर, 8 फीट यहाँ पर, 7 फीट, 7 बाई 8, ओके। टॉयलेट एरिया 4 टॉयलेट, 4 बेडरूम का साथ 4 टॉयलेट अटैच कर दिया हमने, ठीक है। तो इसमें आपको एक सुविधा होगा, आप किसी को भाड़े पर देंगे तो आपको इजीली इसको देने में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप दे सकते हैं किसी को भाड़े पर दे सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके इसका जो टॉयलेट एरिया है इसका जो मेजरमेंट हम यहाँ पर ऐड करेंगे कितना है, 7 फीट यहाँ पर, 5 फीट, 5 फीट, 7 फीट यहाँ पर, 7 फीट यहाँ पर, 5 फीट यहाँ पर, 5 फीट यहाँ पर, 7 फीट, ओके, कंप्लीट हो गया। इसके बाद पोर्च एरिया, पोर्च एरिया यहाँ पर 6 फीट 0 इंच एंड यहाँ पर 9 फीट 9 इंच। तो यहाँ पर जो टोटल इसका जो मेजरमेंट है 35 फीट 5 इंच, 46 फीट 6 इंच। देखिए एक बात जो है यहाँ पर हम आपके साथ शेयर करेंगे, दो पार्ट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 823 स्क्वायर फीट आएगा एक साइड में, और एक साइड में 823 स्क्वायर फीट का हम फ्लैट डिजाइन यहाँ पर कर सकते हैं। दो फ्लैट आएगा, ठीक है। यहाँ पर फ्लैट 1 यहाँ पर फ्लैट 2, ऐसे करके हम डिजाइन कर सकते हैं। तो आपको अगर
इसमें कुछ चेंज और ऐड करना है डिजाइन का अंदर, तो कुछ लगता है चेंज करना चाहिए तब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप कैसे इसको डिजाइन करेंगे, आपको कैसे लग रहा है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको इसको बनाने के लिए कितना खर्चा पड़ेगा, दोनों मिल को मिलाकर एक साथ आप करेंगे तो आपको 30 लाख रुपीज तक खर्चा आ जाएगा, ठीक है। तो ये था प्लान और डिजाइन, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।